अली अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कदम सर का इस्तकबाल करें। सर तशरीफ लाए।
अंसारी आतिफ सर तशरीफ है, कैटेसर से दरखास्त है कि अंसारी आतिफ सर का एजाज भी कैटेसर ही करें। अजीज सर का एजाज अजीज सर शेख अब्दुल अजीज सर तशरीफ लाए, कैटेसर से दरखास्त है उनका भी एजाज करें। अजीज सर नहीं सैयद तंजील सर तशरीफ लाए, कैटेसर से दरखास्त है कि उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। तंजील सर मकसूद रहमान सर तशरीफ लाए, उनका भी एहसास पटेल सर के हाथों से किया जा रहा है। मकसूद सर मोहम्मद रफी सर, मोहम्मद रफी सर तशरीफ लाए, मोहम्मद रफी सर तशरीफ लाए। मेरा छोड़ कारोबारी शहनाज मैडम तशरीफ लाए, कारोबारी शहनाज मैडम तशरीफ लाए। नौशीन मैडम से दरख्वास्त है कि शहनाज मैडम की खिदमत में गुलाह तोहफा पेश करें, उनका एजाज किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ तालियां ऐसा ऐसा कम होते जा रहे हैं। अंसारी सुरेश सर का एजाज तशरीफ लाए, मैं कदम सर से दरख्वास्त करता हूँ कि अंसारी सुरेश सर का एजाज करें। कदम सर इसी के साथ अजहर नवेद सर का एजाज, अजहर नवेद सर तशरीफ लाए, कदम सर से दरख्वास्त है कि अजहर सर का सर का भी एजाज करें। रिजवान झटाम सर का भी एजाज कदम सर करेंगे। रिजवान झटाम सर, रिजवान जटाम सर का एजाज भी कदम सर करें। मोहम्मद शहजाद सर तशरीफ लाए, और मैं शेखनाज सर से दरख्वास्त करता हूँ कि मोहम्मद शहजाद सर का एजाज करें। शेखनाज सर मोहम्मद शहजाद सर का एजाज करें। इसी के बाद सैयद हुसैन सर तशरीफ लाए, शेखनाज सर से दरख्वास्त है कि सैयद हुसैन सर का एजाज करें। फारूक सर तशरीफ लाए, फारूक सर इनका भी एहसास शेख ना सके, तालियां ऐसे ऐसे कम होते जा रही। मोहम्मद नवेद सर तशरीफ लाए, मोहम्मद नवेद सर, मोहम्मद नवेद सर तशरीफ लाए, इनका एहसास भी शेख ना सर करे। बंदरगाह नादिया मैडम तशरीफ लाए, बंदरगाह नादिया मैडम, नौशीन मैडम से दरख्वास्त है कि उनकी खिदमत में ये तोहफा पेश करें। बंदरगाह नादिया मैडम। इसके बाद मौलाना जावेद का एजाज किया जा रहा है। मैं पटेल सर से दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना जावेद साहब की खिदमत में ये तोहफा पेश करें। मौलाना जावेद कुंगले साहब, और मौलाना मुजफ्फर साहब संगे मौजूद नहीं लेकिन जिन्होंने उनका रोल किया था, हफीज उजैर कबले तशरीफ लाए, पटेल से दरबार से ये मौलाना का इनाम या मौलाना का एजाज इस बच्चे को दिया जाए। हफीज उजैर साहब तशरीफ लाए। किसान फरजाना मैडम, इसान फरजाना मैडम तशरीफ लाए, नौशीन मैडम से दरख्वास्त है कि उनकी खिदमत में ये तोहफा पेश करें। इसान फरजाना मैडम। इसके बाद आसमा मैडम, आसमा मैडम तशरीफ लाए, इनका भी एजाज नौशीन मैडम के जरिए से इंशाल्लाह किया जा रहा है। आसमा मैडम तशरीफ लाए। इसके बाद आजमीना मैडम तशरीफ लाए, नौशीन मैडम से दरख्वास्त है कि आजमीना मैडम, आजमीना मैडम का भी एजाज करें। आजमीना मैडम। इसी तरह मकसूद सर भी तशरीफ लाए हैं। मैं नदीम भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमत में ये तोहफा पेश करें।
पाए, जो बीमार है दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। आज बीमार होने की वजह से आए हैं, वरना सबसे ज़्यादा खिदमत हमारे इनायत भाई की रहती है। मैं उनका एजाज लेने के लिए नूरजहां को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए, और राहिल सर से दरख्वास्त करता हूँ कि उसकी उनकी खिदमत में ये तोहफा पेश करें। इनायत पटेल साहब का तोहफा उनकी बेटी नूरजहां पटेल की खिदमत में पेश किया जा रहा है। नदीम भाई फजलदार से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे जुने सर का एहसास करें। दो लाख तालियों के साथ आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जुलेखा से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। अब तुलबा तालिबात में से अपने दिली जज्बात को पेश करने के लिए नाइन ए की तालिबा खानदेसी नसीहा नज़ीर को आवाज़ देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने इस जज्बात का इजहार उर्दू में करे। उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। सदर मोहतरम हाजिरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यौमे असातिज़ा मना रहे हैं, जो हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। बहुत अहम होता है। हमारी जिंदगी में उस्ताद का किरदार बहुत अहम होता है। उस्ताद की कोशिशों और जदोजहद की वजह से हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। अगर हम तरक्की की राह में कामयाब होना है तो हमें हमारे उस्ताद का एहतराम करना होगा, उनकी बताई हुई राह पर चलना होगा। ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत न मिली कहीं दौलत उठ ना जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज्जत न मिली। मेरे प्यारे साथियों, उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तालिबे इल्म को बादशाह बना सकता है। उस्ताद की अजमत को सलाम है कि वो बड़ी मेहनत के साथ अपने शागिर्दों की तालीम हासिल करने के लिए उनको मदद करता है। इसीलिए हमें उस्ताद का अदब करना चाहिए। अदब ही से इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। माँ बाप हमें अर्श से फर्श तक लाते हैं, जबकि उस्ताद हमें फर्श से अर्श तक पहुँचाते हैं। इसीलिए माँ बाप के बाद हमारी जिंदगी में दूसरा मुकाम उस्ताद का होता है। मैं आखिरी कतार पेश करके अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। तरबियत जो करते हैं वो उस्ताद है, इसीलिए उनका मुकाम माँ बाप के बाद है। बात ये अनमोल है, सुन लो जरा,
बात ये अनमोल है, सुन लो जरा, जो कदर करे उस्ताद की वह आबाद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अंग्रेजी में अपने तासीरात पेश करने के लिए मैं मधु करती हूँ 10A की होनहार तालिबा माहिंदर यस्मीन को। मेरी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है, बुरा क्या है वही कहती हूँ जो दिल पर गुजरती है। Respected principal, honorable guests, respected teachers, and my dear fellow students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I would like to wish all my teachers Happy Teachers Day. Friends, I would like to explain the reason behind celebration of Teachers Day and the importance of celebrating Teachers Day. Friends, do you know why do we celebrate Teachers Day? I think you know about it. We celebrate Teachers Day to mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was great teacher, philosopher, guide, statesman, and also the president of India. He wanted that there should be a day dedicated to teachers, so he dedicated his own birth anniversary to be celebrated as Teachers Day. That's why 5th September is celebrated as Teachers Day across India. Today, at this moment, we have to realize the importance of celebrating Teachers Day. Friends, we know teachers are the guides of our student life because they guide us to the right path of our life. They teach us good things like good thinking, smart work, hard work, etc. Teachers are like moonlight for us in the darkest night. They teach us every subject perfectly. They inspire us for our good future planning and for achieving success in life. Friends, the Teachers' Day is celebrated to appreciate the teachers' devotions, dedications, hard work as well as sacrifices. So I would like to convey my own opinion on this occasion of Teachers' Day that every day is a Teachers' Day. So why can't we understand our teachers every day? Why can't we treat them special every day? Why can't we make them proud every day by studying hard? Why can't we thank them every day for sharpening our minds? Why can't we feel lucky every day that we have our teachers beside us? Do teachers find any special day to teach us? No. Then why can't we learn every day? I believe that every day is a teacher's day. So lastly, thanks to all my teachers for choosing me on this occasion. I genuinely feel lucky to have you all. Again, thank you so much. Now, I would like to conclude my speech by this couplet that आसान समझती है क्यों तदरीस को दुनिया, आसान समझती है क्यों तदरीस को दुनिया, दर्दों को यह खुर्शीद बनाने का हुनर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरी खुराक 12th की तालिबा सरदार कश्यप सुलेमान है, जिसे मैं पंडित दया शंकर नसीम के उस शेर के साथ मधु करती हूँ के क्या मजार के गैर पर्दा खोले, क्या मजार के गैर पर्दा खोले, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। महतरम गुलाम मोहम्मद पटेल सर, अदारे के चेयरमैन अब्दुल रऊफ वजंदार साहब और स्टेज पर जलवा अफरोज काबिल एहतराम मुअद्दब साहिबान और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम असातिज़ा के मौके पर मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है उस्ताद की अजमत। दस्ते मासूम को लोहो कलम देता है, दस्ते मासूम को लोहो कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। उस्ताद मुअल्लिम ये वो लफ्ज है जिसके दामन में अनगिनत मशाले रोशन है, जिसका चमन मुस्तकबिल के जुगनुओं से भरा हुआ है। उस्ताद ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरा चमन मुअत्तर है,
ये ऐसा सितारा है जिससे सारा आसमान मुनव्वर है। उस्ताद की खिदमत और अजमत को चंद लफ्जों में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखा न कोई गुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोई गुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। मेरे हम मकतब साथियों, उस्ताद कौम का मोहसिन होता है और मेमार भी। उस्ताद वतन की तालीम और तरबियत का फरीज़ सर अंजाम देता है। ये उस्ताद है जिसकी वजह से एक तालीम याफ्ता और बाशऊर माशरा तश्कील पाता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता पर ये अपने तुलबा को बादशाह बना देता है। ये उस्ताद ही है जो अपने मकाम पर रहते हुए अपने तुलबा और तालिबात के लिए तरक्की की राहों को हमवार कर देता है। तारीख गवाह है कि जिसने भी दिल से उस्ताद की तासीम की वो इल्म की दुनिया में तरक्की के बामे उरूज पर पहुंचा। आखिर में अपनी तकरीर इस शेर के साथ मुकम्मल करती हूँ। बरसते हैं वो सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं वो सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, उन्हीं के फैज से उजड़े चमन आबाद होते हैं। असलम। अपने मनोमात्म्यम तो करना साथी बारा ही आठवीं विद्यार्थिनी रिया महेंद्रो मास्रे खिलामी बोलते आए। सन्माननीय व्यासपीठ व माझ्या मित्र मैत्रिणींनो सर्वांना नमस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील तिरुमणी